वेलकम एस फ्रेंड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ इशू एक टॉपिक और इसका पर्सपेक्टिव रहेगा एच पी एस मीन और यू पी एस सी मीन्स टू लेट्स बिगिन द टॉपिकटल हेल्थ ईशूज अमंगस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया अब हमें इसे लगभग टू फोर्टी वर्ड्स में या टू फिफ्टी वर्ड्स तक बनाना है फ्रॉम मेन्स पर्स्पेक्टिव तो यहाँ से हम कुछ बातें पी के चूज करेंगे जो बढ़िया हैं तो जब भी आपने मेन्स में कोई टॉपिक लिखना है तो कॉन्टेक्ट्स सबसे पहले आप लिखेंगे ऊपर के कॉन्टेक्ट क्यों है कि हम आ, इसकी बात क्यों कर रहे हैं या ये क्या है या जैसे कॉन्टेक्ट ना डाल के आप यहाँ लिख सकते हैं कोर्ट अनकोर्ट में कि मैंटल हेल्थ इश्यूज अमंगस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया कॉन्टेक्ट ज्यादातर होता है कि जैसे आ, करंट अफेयर के अंदर जब भी कोई बात कही जाती है तो वहाँ कॉन्टेक्स्ट कह देते हैं पर मेन्स में आपने लिखना जब है तो कॉन्टेक्स लिखेंगे थोड़ा सा अजीब शायद लग सकता है यहाँ पर तो आप यहाँ कॉन्टेक्स्ट हटाकर कोट अनकोट लिखेंगे इस पूरी बात को कोट अनकोट में आप लिखेंगे एज़ पर नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे कंडक्टेड इन ट्वेंटी 16 तो जो मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ है मतलब लास्ट टाइम वो पंद्रह सोलह के साल में हुआ था

उसके बाद गवर्नमेंट की किसी स्कीम में मेंटल हेल्थ के इशू को जो है वो डिस्कस नहीं किया गया या फिर कोई भी स्कीम ऐसी नहीं सरकार की प्रिडोमिनेटली आई है जिसमें मेंटल हेल्थ के ऊपर टारगेट किया गया और मेंटल हेल्थ भारत में एक सीरियस इशू है इसलिए इस बात के ऊपर यहाँ फोकस किया गया है अब जैसे इसमें लिखा है कि हाउ एवर पार्लियामेंट इज टू डेवलप ए फ्रेमवर्क फॉर ए नेशनल लेवल स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम मैंने पार्लियामेंट ने अभी तक कोई फ्रेमवर्क कोई रिगरस रूल्स एंड मैकेनिज्म तैयार नहीं करा है मेंटल हेल्थ के ऊपर तो कोई फ्रेमवर्क नहीं है पार्लियामेंट का फिलहाल तक मेंटल हेल्थ को लेकर ये बात यहाँ से है अब इतना कह देने के बाद हमने जब आगे बढ़ना है इसके अंदर तो लेट्स uh, सी uh, मैं इसको थोड़ा सा चलिए तो नाउ की पॉइंट्स की पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 15 और 16 में जो ये मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ इसमें ज़्यादातर जो है वो आ, कहा गया गर्ल्स आ, इनके टारगेट हैं या गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया रिसर्च में क्योंकि ज़्यादातर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ऐसा पाया गया कि गर्ल्स के अंदर पाए जा रहे हैं मेंटल हेल्थ इशू क्यों यंग चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स इस बात को देखिए यहाँ पर आर वनरेबल मीन्स उन पर ख़तरा है टू सेक्शुअल कोवर्जन कई बार आ, आ, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उन पर जबरदस्ती की जाती है कोवर्जन एक तो ज़बरदस्ती को होता है कि बहला फुसला के कोई ऐसा कोई प्रामिज़ करना या कोई ऐसी बात कह देना कोवर्जन कहलाता है फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार न्यू न्यू एक्ट्रेसेस बनने के लिए कुछ गर्ल्स निकलती हैं घर से और मॉडल बनती हैं एंड देन उनकी एज सेवनटीन है किसी की सपोज एटीन है एंड सी एज के अंदर उनको आ, कोई फिल्म चाहिए कोई इस तरह से रोल चाहिए किसी फिल्म में तो हमने कास्टिंग काउच नाम की बात कई बार सुनी है कि फिल्म में मौका देने के लिए कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स कुछ एडवांटेज मांगते हैं इन यंग गर्ल्स है तो दे आर ऑलवेज वर्जन सॉरी कोवर्जन तो इसमें सेक्शुअल कोवर्जन जो है वो आप देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेगा सो अनवॉन्टेड प्रेगनेंसीज वहाँ से डेवलप होंगी अनसे डेवलप होते हैं फिजिकल इंजरीज होती हैं एंड डिजिटल चैलेंजेस लाइक साइबर बुलिंग इंटरनेट एडिक्शन और पोनोग्राफी ये सारे इसके रीजन uh, है डीज रिस्क इन टर्म्स अफेक्ट देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल वेलबींग ऑब्वियसली जब आप इन तरह के uh, समस्याओं में उलझेंगे तो नेचुरली जो है आपके मेंटल हेल्थ पर फर्क पड़ेगा इवन ये डेटा मुझे काफी अट्रैक्टिव देखा यहाँ पे

एज में आठ परसेंट ऐसे गर्ल थी जिनकी ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी मदर हैं उनको बेबी हो चुका है या वो भी प्रेग्नेंट है दिस इज वेरी सीरियस डेटा सर्वे आल्सो फाउंड दैट थर्टी सेवन परसेंट ऑफ दुमन एज फिफ्टीन टू ट्वेंटी फोर हैव एक्सपीरियंस्ड फिजिकल सेक्शुअल और इमोशनल वायलेंस बाय देर हस्बैंड थर्टी सेवन डेटा बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 37 परसेंट महिलाओं के ऊपर उनके हस्बैंड के द्वारा इमोशनल वायलेंस या फिजिकल या सेक्शुअल वायलेंस किया जाता है तो ये नेचुरली उनकी मेंटल हेल्थ हल, पर असर करेगा ये एक अच्छा की पॉइंट में आप चार पाँच पॉइंट यहाँ से डाल सकते हैं दैट इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव पॉइंट ये वाला स्पेशल ये वाला पॉइंट ना गवर्नमेंट uh, ने कुछ मेंटल uh, हेल्थ के लिए बच्चों की कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जो हम यहाँ देखेंगे बट ये वाला सेक्शन कहता है कि नीड टू कंसीडर मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन अब आप यहाँ से टू फोर्टी चूँकि आपको वर्ड्स पूरे करने हैं या टू फिफ्टी तो आप यहाँ से uh, कुछ तीन चार पॉइंट पिक कर लेंगे यूनिसेफ वर्ल्ड में वो एजेंसी है जो बच्चों के लिए स्पेशल इनिशिएटिव लेते हैं इनका नाम ही देख लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फ़ंड तो इनके पास फंड्स होते हैं जो बच्चों के लिए स्पेसिफिक ये फैसिलिटीज़ अरेंज करते हैं अब इसमें कुछ पॉइंट्स आप यहाँ से पिक लेना एंड एनेबलिंग लर्निंग एनवायरमेंट टीचर वेलबींग टीचर ठीक होंगे तो ही जाके जो है वो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा टारगेटेड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स स्टेट एंड लोकल लेवल एंड मीनिंगफुल कोलाब्रेशन बिटवीन स्कूल फैमिली एंड कम्युनिटी समाज और जो फैमिली है कम्युनिटी है स्कूल के बीच में एक अच्छा कोलाब्रेशन किया जाए तो ये तो यूनिसेफ के सुझाव हैं आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें नाउ ये चीज़ें भी आपने हाईलाइट करनी है कि इशूज़ विथ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया क्या समस्याएं क्या हैं कि हमारा जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उतना सफल क्यों नहीं है सीवियर शॉर्टेज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स मतलब हमारे देश में जो ऐसे डॉक्टर हैं जो साइकेट्रिस्ट हैं एनालिस्ट हैं उनकी कमी बहुत ज़्यादा है ज़्यादातर हमारे देश में ऐसे डॉक्टर हैं जो Uh, या यूं के लिए डॉक्टर हैं भी हैं बट फिर भी अवेयरनेस नहीं है मान लो किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं भी बट अवेयरनेस बहुत कम है नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर आप नहीं पाएंगे कि वहाँ पे साइकाट्रिस्ट है तो मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई डॉक्टर को वहाँ दिखता नहीं है एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो बहरहाल साइकैट्रिस्ट इन हैं कम हैं इसलिए ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग वहाँ जाकर अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं बहुत दूर जाना पड़ता है इसलिए अफोर्डेबल नहीं है लैक ऑफ कॉम्प्रीहसिव स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्कूल लेवल पे जो मेंटल हेल्थ के हम प्रोग्राम करवाते हैं उसमें इल ट्रेन्ड लोग पहुंचते हैं इल ट्रेंड में जैसे उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है वो बच्चों तक प्रॉपर बात नहीं पहुंचा पाते हैं बस खाना पूर्ति करने के लिए जो है वो प्रोग्राम करवा दिए जाते हैं तो ये एक समस्या ज़रूर बनी हुई है और इनिशिएटिव जो लिए जाते हैं बहुत लिमिटेड हैं जैसे बाकी जैसे पोलियो है या हम देखते हैं कि आ, इस तरह की जो टी है इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली स्टेप्स लिए हैं स्कीम्स इनिशिएट किए हैं पैसा लगाया है परंतु मेंटल हेल्थ पे कोई स्टेट फॉरवर्ड नहीं दिखता कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम है और इसमें वो स्टेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की ऐसा दिखता नहीं है कभी भी इनएडक्ट गवर्नमेंट फंडिंग फॉर मेंटल हेल्थ ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लिखेंगे इसको

सॉरी uh, जो मेंटल हेल्थ पे जो एलोकेशन है बहुत इल प्लैंड है तो दिस इज़ अ वेरी माइनर फ्रैक्शन कम से कम मेंटल हेल्थ पे टोटल हेल्थ का एट टू टेन परसेंट होना चाहिए तभी जाके एक सफिशेंट फंड्स मिलेंगे उनको नाउ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स 1982 में सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन यह नेशनल मेंटल हेल्थ मिशन जो है स्टार्ट किया एक पॉइंट आप ये लिख लेंगे गवर्नमेंट के इनिशियटिव क्या है और उसके बाद फिर आप, आपको मैं जब आगे लेके जाऊंगा तो अब आप देखिए यहाँ पे कुछ एक ये तो हो गया ये वाला इसमें बस अंदर काफी बातें आपको 240 से लेकर 250 फिफ्टी वर्ड लिखने हैं तो एक्सेसिव पढ़ के भी फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है ए टू तो एंश्योर एक्सेस टू मिनिमम मेंटल हेल्थ हेल्थ केयर फॉर ऑल ये सारी बातें कॉमन होती है इसमें कुछ भी लिखेंगे आप तो चल पड़ेगा जनरल बातें होती हैं डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो 1996 में लॉन्च हुआ नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी अडॉप्टेड इन 2017 ये एक नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 17 में अडोप्ट की गई थी जिसमें वही है मेंटल इलनेस जो है उसके ऊपर काम करना सब में वही बातें हैं कॉमन है आप देखेंगे इसमें और टू में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आयुष्मान आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर कोई सेपरेट कोई ऐसी स्कीम नहीं थी आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर एक प्रोग्राम और डाल दिया गया मेंटल uh, हेल्थ और स्कूल की मेंटल हेल्थ के लिए स्कूल के अंदर बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए अब इसमें सजेस्टिव मेजर्स क्या है कि मेडिटेशन और योगा को स्कूल के अंदर कंपलसरी करवाया जाए मेडिटेशन करवाना योगा प्लस कुछ स्पिरिचुअलिटी भी उनको जो है वो इंट्रोड्यूस की जाए स्पिरिचुअल रहना आध्यात्मिकता उनमें लाई जाए थोड़ी बहुत ताकि आज के डेट में जो एस्पिरेशंस हैं बच्चों की या पेरेंट प्रेशर है पीर प्रेशर है कि टॉप आना है नीट करना है जे करना है आई करना है एच करना है तो वो बहुत बड़ा प्रेशर है बच्चों के ऊपर अर्ली एज से वो डील करना थोड़ा सा मुश्किल काम है इसलिए मेडिटेशन योगा एंड प्लस स्परिचुअलिटी ज़रूरी है और कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल के ऊपर ताकि जिन जिनको भी मेंटल इश्यूज हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट स्तर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ऊपर उनका सोलूशन निकाला जा सके अब ये टू फोर्टी टू फिफ्टी वर्ड में इनफ है जो आपको मैंने बातें बताई हैं मेन मेन पॉइंट जो मैंने कहे उन पॉइंट को नोट करें आप और कोशिश करें आपका जो जो ये वर्ड्स हैं टू थर्टी से नीचे ना आए और टू फिफ्टी से ऊपर ना आ जाए कुछ आज आप ऐसा राइटिंग में अपना कमांड कीजिए। तो ये था हमारा टॉपिक मेंटल हेल्थ केयर का और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वीमेन वर्कफोर्स के बारे में हमारे देश की जो महिला हैं वो कहाँ कहाँ कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही हैं उसकी बात करेंगे